उसके बाद पैसा भेज रहा अपने पति का बेटे का डेड बॉडी मंगाने के लिए घर, जिंदा तो नहीं ला पाया और जिंदा रख भी नहीं सका घर में कि जिंदा रख कर दो वक्त का खाना खा सके, लेकिन डेड बॉडी को जुलूरी गिरवी रख कर मंगवाना पड़ रहा है। ये हमारा हिंदुस्तान है, हम किसी भी पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, गलत नहीं बता रहे, लेकिन जो वादा करता है कैमरे में आकर और कैमरे के पीछे जो करता है उसको आप लोग को बताना था और दिखाना था। তার বাড়ির গহনা বন্ধক দিয়ে সেই অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়া মেটাতে হয়েছে। কি হয়েছিল ঘটনাটা? 2 তারিখে হয়েছিল। আমার কাকা সকাল 7:20 বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, রাত্রে আমরা টিভিতে দেখি 6:40 করমণ্ডল লাইনচ্যুত হয়ে যায়। তারপরে আমরা কাকার সাথে অনেক যোগাযোগ করি, যোগাযোগ করতে পারি না। 10:45 নাগাদ আমরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি এখান থেকে। সে গাড়িতে 13,500 টাকা নিয়েছিল। ওখানে পৌঁছানো রাত্রিতে 10:00 বেরিয়ে 8:00 সকালে ওখানে পৌঁছানো হয়েছে। ওখানে গিয়ে আমরা রেল লাইনে লাশ খুঁজি, লাশ পাই না। ওখানকার স্থানীয় পুলিশকে বলা হয়, ওনারা আমাদেরকে নিয়ে যায় একটা স্কুল ঘরে। ওখানে 10টা রুম আছে, এক একটা ঘরে প্রচুর প্রচুর লাশ, এক একটা ঘরে 200-250 করে বডি পড়ে আছে। এবার ওই বডির মধ্যে পুলিশ আমাদেরকে খুঁজে দেয়নি, আমরা নিজে ওখানে একটা একটা করে লাশ দেখে আমরা খুঁজেছি। দেহ আনতে কি পরিস্থিতি হলো? দেহ আনতে ওখানকার কোনো রকম আমরা রেলের পক্ষ থেকে সাহায্য পাইনি। আমরা নিজস্ব ওখান থেকে 2 কিলোমিটার ঘোরাঘুরি করার পর হেঁটে হেঁটে অ্যাম্বুলেন্স পেয়েছে একটা। ওখানে অ্যাম্বুলেন্স বললো 25,000 টাকা নেবো। ওদের হাতে হাতে পায়ে ধরা হয়েছে, হাতে পায়ে ধরার পর 20,000 টাকায় রাজি হয়েছে। দাদা কিসে ঢুন রে আপ? আমার লড়কা ভাই। লড়কা কোন সা ট্রেন মে থা? করমন্ডল মে। এ মেরে জিন্দেগি बहुत तो खेल लिए इस दुनिया में, और ना जाने खेलते खेलते बहुत आदमी को बड़ा बना दिए, और मेरा ही जब कुछ ना रहा तो उस बड़े आदमी ने मुंह फेर लिए। तो दोस्तों, मैं शंभू गरीब बंगाल से, और पिछले शुक्रवार से जो उड़ीसा में बालासोर जो इलाका है और उसमें उस जगह पर करमंडल एक्सप्रेस जो कि हावड़ा से चलकर और उड़ीसा के लिए जो ट्रेन जाता है पैसेंजर ट्रेन, और एक दुर्घटना घट जाता है जो कि एक मालगाड़ी को जाकर लूप लाइन में जाकर ठोंक देता है। और उसके बाद एक और ट्रेन आता है जो हावड़ा से चलकर बेंगलोर जाता है, वो भी एक्सप्रेस ट्रेन होता है, वो भी आकर ठोंक देता है। और उसमें से जो है बहुत आदमी का जान चला जाता है, और बहुत आदमी तो अभी मतलब कि हॉस्पिटल में एडमिट है। और उसी के साथ साथ दोस्तों, घटना स्थान पर हमारे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आता है, और रेल मंत्री आसवानी वैष्णोई आता है, और बहुत मंत्री जो कि आकर उन लोगों का, जिन लोग उस ट्रेन में सवारी कर रहा होता है उन लोग जो एक्सीडेंट के द्वारा किसी का जान जाता है, तो कई भाइयों ने तो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन लोगों को मदद करने का कोशिश करता है। और फिलहाल तो उन लोगों को, जिन लोगों का जान गया है उस एक्सीडेंट के द्वारा, उन लोगों का फैमिली को यानी कि कुछ लाख रुपया जो कि देने का वादा करता है, और जो हॉस्पिटल में एडमिट है उन लोगों का भी मदद करने का कोशिश करता है, और वीडियो के माध्यम से हम लोगों को बताने का कोशिश करता है। और उसके बाद जो है कई बड़े बड़े फिल्म स्टार यानी कि एक्ट्रेस और बड़े बड़े कंपनी का ओनर्स जो मालिक गौतम अडानी यानी कि बहुत बड़े बड़े कंपनी का मालिक जो है ट्वीट भी करता है, और उन लोगों का मदद करने का सोशल मीडिया में वादा करता है और कोशिश करता है। हम ये नहीं बताते हैं कि मदद नहीं करता है या नहीं करेगा, ये नहीं बताएंगे, लेकिन इस वीडियो को फुल देखना दोस्तों, तब जाकर जो है समझ में आएगा। तो उस जगह, उस घटना स्थान पर जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ रहता है, उस जगह पर बहुत नेता मंत्री आता है और आकर उन लोगों का मदद करने का कोशिश करता है जो लोग एक्सीडेंट के द्वारा गुजर जाता है, किसी का भाई तो किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का पिताजी, तो किसी ने तो फैमिली लेकर गुजर गया। और अभी हॉस्पिटल में जिन लोगों को हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट किया गया था,
वो लोग आज कहीं ना कहीं जिंदगी और मौत के साथ खेल रहा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो दिए थे कि उस टाइम जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम का मूवमेंट कैसा रहा, टाइम कैसा रहा होगा, लोग किस तरीके से चीखा होगा, हम इसको लेकर जो कि एक वीडियो इससे पहले दिए थे, जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और आज जो दोस्तों वीडियो हम आप लोग को देने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से एक ही बात बताना चाहते हैं कि बहुत नेता मंत्री ने, सेलिब्रिटी ने और बहुत कंपनी का मालिकों ने ट्वीट भी करता है सोशल मीडिया में आकर बताता है कि उन लोगों का मदद करेंगे, कुछ पैसा जो कि उन लोगों को देने का कोशिश करते हैं जिन लोगों का घर में बाल बच्चे है, बीबी है, बूढ़े माता पिता है, उन लोगों को देने का कोशिश करता है, वादा करता है। तो जिन जिन लोगों का 200 यानी 300 के आसपास जिन जो लोग आज उस एक्सीडेंट के द्वारा गुजर गया है, इस दुनिया को छोड़कर गया है, तो उन लोगों को जो कि ज़्यादा पैसा देने का को वादा करता है, सोशल मीडिया में बताता है। और वो लोग जो गुजर गया उन लोगों का लाश यानी कि डेड बॉडी जो पोस्टमार्टम होता है, और पोस्टमार्टम के बाद जिसका भी घर का लाश रहता है, डेड बॉडी रहता है, उन लोगों को कांटेक्ट करने का कोशिश करता है उसका घर में उड़ीसा सरकार और अस्पताल से। उसके बाद डेड बॉडी को घर पहुंचाने का जिम्मा कोई नहीं लेता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मेरा मुद्दा एक ही है और आप लोग को सच दिखाना है कि किस तरीके से श्री नरेंद्र मोदी घटना स्थान पर जाकर बताता है कि जिन जिन लोगों का जान गया है, हम साधारण तरीके से आप लोग को समझा रहे हैं कि जिन जिन लोगों का जान गया है उन लोगों का मदद करेंगे, और जो लोग तकलीफ में है यानी हॉस्पिटल में एडमिट है उन लोगों का भी मदद करेंगे। तो मोदी जी इस तरीके से जब भाषण देता है यानी कि बयान देता है, हम लोग को बोल एक वादा करता है और रेल मंत्री भी वादा करता है, उसके बाद उस डेड बॉडी को, जो डेड बॉडी ट्रेन एक फ्रैक्चर डब्बे से निकाला गया, उसके बाद पोस्टमार्टम करके उस डेड बॉडी को घर पहुंचाने का जिम्मेवारी नहीं लेता दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि एक नहीं दो चार वीडियो निकल के सामने आ रहा है, हम ज़्यादा नहीं बताते हैं, दो चार वीडियो देखें दोस्तों, उसके बाद हम आप लोगों के सामने आए कुछ बात रखें कि दो वीडियो हम देखे बिहार का, दो बिहार का युवा रहने वाला था, वो करुमंडल एक्सप्रेस में सवारी कर रहा था और एक्सीडेंट में मौत हो गया उसका। एक बंगाल से था जो कि हमारे मुर्शिदाबाद जिला से, वो भी करुमंडल एक्सप्रेस ट्रेन में सवारी कर रहा होता है, एक्सीडेंट में वो भी मर जाता है, और उसी का घर मीडिया वाला जाता है, रिपोर्टर उसका फैमिली के पास जाकर पूछताछ करता है। तो दोस्तों कुछ बात जो कि सुनाई देता है, उसका फैमिली वालों ने बताता है कि हमारे पति का तो हमारे बेटे का डेड बॉडी को लाने के लिए ज्वेलरी वगैरह गिरवी रखकर पैसा भेजे, मेरे पति का, मेरा बेटे का डेड बॉडी को लाने के लिए। तो किसी जगह बता रहे ज़मीन हम गिरवी रखें, तो किसी जगह पर जो इंटरेस्ट में जो कि पैसा लिए, उसके बाद डेड बॉडी को लाने के लिए 20,000, 30,000, 40,000 भेजे, तब जाकर जो है डेड बॉडी आया। तो दोस्तों हम उन नेताओं को बताना चाहते हैं कि जिन जो नेता बताता है कि जो लोग इस करुमंडल एक्सप्रेस ट्रेन में एक्सीडेंट के बाद गुजर जाता है, उन लोगों को कुछ पैसा देंगे यानी कि 2-4 लाख 5 लाख पैसा देंगे, तो उन लोगों का पैसा देने का वादा आज कहाँ गया? जो लोग कहीं ज्वेलरी गिरवी रखकर पैसा भेज रहा है अपने पति का डेड बॉडी लाने के लिए, तो कहीं ज़मीन गिरवी रखकर अपने बेटे का डेड बॉडी लाने के लिए पैसा भेज रहा है, यानी कि एम्बुलेंस भाड़ा देने के लिए, जो एम्बुलेंस लाता है अपने घर तक छोड़ कर जाता है उनको पैसा मिटाना पड़ता है, अगर दूर से आता है उसको पैसा यानी कि बड़े रकम देना पड़ता है। तो वो लोग और वो वादा कहाँ गया? मोदी जी उन परिवार को जो वादा दिए थे कि एक्सीडेंट में गुजरा हुआ लोग को कुछ पैसा देंगे, तो कहाँ गया आज? क्या उस डेड बॉडी को घर तक नहीं पहुँचा सकते थे क्या?
क्या इतना भी आपका हिम्मत नहीं हुआ कि उस डेड बॉडी को सुरक्षित सलामत घर तक छोड़ दी? कहाँ गया आसवानी जी, रेल मंत्री आपको बता रहे हैं, आप तो वादा किए कि सारे हमारे उन भाइयों को अच्छे तरीके से यानी कि देखभाल करेंगे, उन जो जो गुजर गया उनको पैसा देंगे, तो कहाँ गया उन वादा? क्या मर गया उसके बाद उसके फैमिली को पैसा दोगे, वही आपका नाम हो, उसी में नाम होगा क्या? और उस डेड बॉडी को घर तक कौन छोड़ेगा, उसका जिम्मा कौन लेगा जो कहीं गिरवी रख कर पैसा भेज रहा है? तो दोस्तों उसके बाद एक वीडियो जो कि देखे थे कि हमारे बंगाल में टीएमसी सरकार जो है ममता का कई नेता पॉलिटिकल लीडरों ने उन प्रीत का यानी कि जो गुजरा था वो एक्सीडेंट के द्वारा, उनके घर पर जाकर उसके फैमिली के हाथ पर 2-2 लाख रुपया दे रहा था, वो भी 2000 का नोट, जो कि 2000 का नोट बंद कर दिया गया है, कुछ दिन वैल्यू है उसका, फिर भी 2000 का नोट दे रहा था, यानी कि दिया है 2-2 लाख करके। तो उन नेताओं को बता रहे हैं कि आप पैसा जब जानते हैं 2000 का नोट बंद हो गया, एक गरीब फैमिली को किस तरीके से आप 2 लाख रुपया दे दिए, यानी कि 100 नोट 2000 का 100 नोट आप किस तरीके से दे दिए उन फैमिली को, वो फैमिली कहाँ जाकर उस पैसे को चलाएगा? आप गरीबों का मदद कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से कीजिए ना। जो नोट अभी जिसका वैल्यू आधा से भी कम है और उस वैल्यू नोट को ले जाकर दे रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया वालों को? और देखिए दोस्तों, हम शुरू में जो एक रिएक्शन दिए थे कि इस दुनिया में तो बहुत खेलते हैं, यानी कुछ भी करते हैं एक साथ मिलकर, किसी के भी साथ अगर कोई कुछ करता है तो उसको बड़ा बनाने के लिए अपना जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं। जब वो आदमी बड़ा बन जाता है तो मेरा जब उसका ज़रूरत होता है तो मुंह फेर लेता है, तो कुछ इस प्रकार से ही दिखाई दे रहा है। जब नेता मंत्री का बारी आता है तो हम लोगों का घर आकर पैर पकड़ लेता है, तो हम लोगों को कुछ भी आकर बताता है कि हमको वोट दो, हमको सत्ता में एक बार लाओ, हम लोग वोट देकर उसको सत्ता में लाते हैं, उसको बड़ा बना देते हैं। जब हमारा बारी आता है तो मुंह फेर लेता है। तो हम शुरू में इसीलिए बताए थे दोस्तों, और हमारे हिंदुस्तान का किसी भी गरीब मिडिल फैमिली को अगर कुछ दिक्कतें आता है तो उसको वो किसके ऊपर भरोसा करता है? सरकार के ऊपर, संविधान पर भरोसा करता है, सरकार पर, हिंदुस्तान सरकार के ऊपर भरोसा करता है कि हिंदुस्तान सरकार संविधान हम लोगों को न्याय दिलवाएगा, मदद करेगा। तो आज वो फैमिली जो किसी के पास उधार मांग रहा है, जो किसी के पास गिरवी रख रहा है ज्वेलरी जमीन, उसके बाद पैसा भेज रहा है अपने पति का बेटे का डेड बॉडी मंगाने के लिए घर, जिंदा तो नहीं ला पाया और जिंदा रख भी नहीं सका घर में कि जिंदा रख कर 2 वक्त का खाना खा सके, लेकिन डेड बॉडी को ज्वेलरी गिरवी रख कर मंगवाना पड़ रहा है। ये हमारा हिंदुस्तान है, हम किसी भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, गलत नहीं बता रहे, लेकिन जो वादा करता है कैमरे में आकर और कैमरे के पीछे जो करता है उसको आप लोग को बताना था, दिखाना था। और बाकी यार मेरा इरादा किसी भी धर्म को, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, सब अपने अपने जगह पर ठीक है, जो भी कुछ करता है अच्छा। और बाकी आप लोग का राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो दोस्तों इसके साथ साथ हम वीडियो से जा करते हैं एंड, और देख सकते हैं अभी जून महीना में कितना गर्म लग रहा है, आज 8 जून हो गया 2023 का, बहुत गर्म, देख सकते हैं कितना पसीना निकल रहा है, फिर भी आप लोग को कुछ सच्चाई बताने का कोशिश करते हैं। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए सोच के साथ, नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम भाई।